अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये देखें हम जामपुर आए हैं, लाल हवेली है। देखिए ये बहुत माशाल्लाह प्यारी जगह है। चलें आपको दिखाते हैं लाल हवेली किस तरह, और इंजॉय करें और देखें कि ये देखें दोस्तों हम लाल हवेली के अंदर आ गए। माशाल्लाह यार बहुत ही प्यारी जगह बनी हुई है, बहुत ही अच्छी जगह है। आप लोग ज़रूर यहाँ चक्कर लगाएं, देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है। ये आप देखें गुलदान वगैरह दूसरी चीज़ें मटके पड़े हैं, टोटली काम में टीका हुआ है। यहाँ पे ग्रास इतनी अच्छी लगाई है इन्होंने, कलो बिल्कुल लेवल के साथ सफाई वगैरह का ख्याल। ये तो अभी बारिश आई थी तो मिट्टी वगैरह जिस तरह कच्ची जगह है ना हल्की, तो इस वजह से बारिश का पानी ठहर गया। ये देखें घोड़ा वगैरह, ग्रास की कटिंग, पौधों की कटिंग वगैरह। आगे चल के आपको दिखाते हैं टेक चीज़ें इन्होंने यूँ लगा रखी हैं। ये देखें जी आ जाए आगे। यार बहरहाल हमें तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया यहाँ पे आके। ये लोक विरसा की नुमा इन्होंने बना रखी है जगह, जहाँ पे एंटीक चीज़ें पुराने पुराने गुलदान ये वो फवारे के पास इस तरह से। देखें आपको मकान का इसका घर का व्यू दिखाएं, इसके अंदर भी इसी तरह। यहाँ पे उन्होंने बताया था घंटियाँ जो लटका रखी हैं वो तक यहाँ पे मिट्टी की बनी हुई है। मैं तो देख के हैरान रह गया कि यार कितना खर्चा इस बंदे ने किया, कोई झक्कड़ है उन लोगों का ये। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ये मुलाजिम जा रहा है उनका जो यहाँ की देखभाल वगैरह करता है, नवाब लोग हैं जिन्होंने बना रखी है। बहरहाल देखें बहुत प्यारा सेटअप है। ये देखें आप ओवरव्यू दिखाते हैं इसका, ये चेक करें माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें चीज़ें इधर देखें किस तरह की पड़ी हुई हैं, प्यारी प्यारी ये मुख्तलिफ कलर में कंट्रास्ट में। फिर इनको रखने की सेटिंग चेक करें आप, हर किसी को तरतीब से रखा गया, किसी को इस तरह से नहीं रखा गया कि एक जगह ऐसा बंदा कह सके यार ये चीज़ यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए थी, और एक भी नहीं। मैं कहता हूँ सैकड़ों की तादाद में चीज़ें लगी हुई हैं। और यूँ कह लो ओल्ड कल्चर जिस तरह होता था पहले महल वगैरह में, ये इस तरह से है। ये देखें आप इधर ग्लोब वगैरह की सेटिंग, ठीक है कि पुराना लोक विरसा नुमा बना रखा है इन्होंने, सेट वगैरह कर रखा है। ये देखें इधर ये दरवाज़े जो बने हैं लकड़ी का काम बहुत प्यारा, और उन्होंने गुलदान जो लगा रखे हैं स्पेशल बनवाए हुए हैं गुलदान। मैंने इन्हें हिला के उठा के चेक किया, इनके बीच में सुराख है, ठीक है उसके अंदर इन्होंने मिट्टी के अंदर यूँ कह लो सरिये डाल रखे हैं, सरिये के अंदर ये डाल रखे हैं ताकि हवा वगैरह बारिश वगैरह है उससे हिले ना। ग्रास की सेटिंग एक यूँ कह लो बिल्कुल स्केच नुमा बना रखे जिस तरह बंदा फुल एडजस्टमेंट करता है कि यहाँ पे यार ये चीज़ होनी चाहिए, वहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, इस तरह से सेटिंग कर रखी है। ये देखें आप लोग, आपको व्यू नज़र आ रहा होगा लेकिन बहरहाल फिर भी कैमरे में वो व्यू नहीं आता जो रियल में आता है। हम तो देख के हैरान रह गए थे, हमने यहाँ फोटोग्राफी की है, बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को अच्छा लगा होगा। यार हमारा तो मकसद है आप लोगों तक मुख्तलिफ चीज़ें पहुँचाएँ, दिखाएँ, करें ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए, देखें इंजॉय करें और देखें कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।